अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको पहला पार्ट में ये बताया था कि ये क्रॉस कैसे बनाने और क्रॉस की अलाइनमेंट जो ये सेंटर पीस है उसकी अलाइनमेंट इसके मिडिल पीस के साथ होनी चाहिए। अब हम अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें कॉर्नर्स लगाएंगे, ये दो चार कॉर्नर्स लगाएंगे। ये इसका दूसरा स्टेप, पहले क्रॉस अब दूसरा कॉर्नर्स। अच्छा, तो क्योंकि ये वाली ऊपर पूरी वाइट बननी है, ये वाली क्योंकि इसका मिडिल पीस पिंक है ये पूरी पिंक बननी है, और इसका मिडिल पीस है ग्रीन तो ये पूरा ग्रीन बनना है। तो ये जो पीस आएगा इसमें कोई ऐसा पीस जाइए जो यहाँ पे वाइट, यहाँ पे पिंक और यहाँ पे ग्रीन आए। पिंक वाइट और ग्रीन, पिंक वाइट और ग्रीन, ये रहा पिंक वाइट और ग्रीन, ये रहा ये कॉर्नर पीस है। कॉर्नर पीस के तीन साइड होते हैं। अब क्योंकि अब हमने क्या किया, हमने इसको इसके नीचे लेके आए जहाँ पे इसको फिक्स करना है, यहाँ पे फिक्स करना है, इसको नीचे लेके आए। ये हमारे पास राइट हैंड पे है तो इसको लेफ्ट पे करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे यहाँ पे और वापस अब ये हमारे पास फिक्स हो गए हैं। अब क्योंकि ये पूरी जैसे पहले बताया ये वाली, क्योंकि मिडिल पीस जो है इसका ये पिंक है तो ये पूरी जो साइड है पिंक बनेगी, इसका मिडिल पीस ब्लू है तो ये पूरी साइड ब्लू बनेगी और ये पूरी वाइट बनेगी। तो यहाँ पे वाइट पिंक और ब्लू का कोई पीस चाहिए, वाइट पिंक और ब्लू, ये वाइट पिंक और ब्लू, ये वाला पीस वाइट पिंक और ब्लू, ये हो गया। अब इसको हमने क्या किया, इसको हम नीचे लेके आए जहाँ पे हमें फ़िक्स करना है, ये राइट पे, इसको लेफ्ट पे किया, ये नीचे आया, ये वापस किया और ये ऊपर आ गया, लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ इस तरह। तो हम क्या करेंगे, अब हम वापस इसको वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया है, इसको नीचे लेके आए, इसको वापस उधर किया और ये इधर ले आए। अब ये जो है इसके डायरेक्ट नीचे आ गया और इसकी जो फेस ये अब इसके नीचे आ गया। अब ये राइट पे, इसको लेफ्ट पे करेंगे, इसको नीचे ले आए और ये वापस से हमने राइट पे कर दिया और ये ऊपर लिया। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, यानी एक लग रहा है कि ये कंप्लीट होने वाला है, यानी इसके जो ऊपर ऊपर वाली जो सरफेस है वो कंप्लीट होने वाली है। अब यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ऑरेंज पीस आएगा, वाइट ऑरेंज और ब्लू, ये वाला पीस यहाँ पे आएगा। अब हमने इसको ऐसे किया, अब हम देख सकते हैं ये जो है इसके लेफ्ट साइड पे, अब लेफ्ट साइड पे तो हम इसे राइट पे करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे और ये वापस किया और ये लग गया और ये कनेक्ट हो गया। अब जो आखिरी पीस रह गया वो होगा हमारे पास वाइट ग्रीन और ऑरेंज, वाइट ग्रीन और ऑरेंज कहाँ है, ये वाइट ग्रीन और ऑरेंज ये हमारे पास। अब हमें पता है कि जैसे पिछली बार थोड़ी इसने मसला किया था क्योंकि इसका जो जो वाइट फेस कर रहा है ये ऑपोजिट कर रहा है। अभी देख लेते हैं कैसे, क्योंकि ये नीचे ऐसे हम पहले कर रहे थे, नीचे ये राइट साइड पे लेफ्ट पे किया, नीचे किया और ये ऊपर कर दिया, लेकिन ये सही तरह ऊपर वाइट नहीं आया। तो हम वापस ऐसे ही करेंगे, इसको नीचे लेके आए, इसको साइड राइट पे कर दिया और इधर ले आए, सही है। अब हम देख सकते हैं ये जो है ये राइट पे है, अब राइट पे इसको लेफ्ट पे करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे और ये हमने फिक्स कर दिया। अब ये वाला भी हो गया हमारे पास, अब ये वाला भी हो गया। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ें। तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है कि अब हमने ये कॉर्नर पीस लगा लिया, अब ये वाले मिडिल पीसेस लगाने, ये और ये चार मिडिल पीसेस लगाने। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल पीस कौन सा लगेगा, यहाँ पे पूरा पिंक बनेगा तो यहाँ पे पिंक आएगा, ये पूरा ब्लू बनेगा तो यहाँ पे ब्लू आएगा। पिंक और ब्लू का मिडिल पीस चाहिए, ऐसा पीस जिसमें दो साइड हो, एक पिंक और एक ब्लू, तो कहाँ है ये रहा ये वाला ये। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पे लगाना है, इसको इधर लेके आए तो इसको 1 2 3 4 ये यहाँ पे आ गया। अब ये क्योंकि यहाँ पे फिक्स करना है ये लेफ़्ट साइड पे, इसको राइट पे करेंगे, ये किया और ये हो गया हमारे पास, लेकिन ये सही तरह फिक्स नहीं हुआ। तो इसके तो वापस से ऐसे करेंगे, एक डाउन किया राइट, अब ये लेफ्ट पे, इसको राइट पे करेंगे ये, लेकिन ये अभी लगा नहीं, यानी फिक्स नहीं हुआ ये। अब क्या करेंगे, अब हम वापस से वो पीस नीचे कहीं ढूंढेंगे, इसको ये रहा पीस पिंक और ब्लू, और इसको इधर हमने प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर 1 इसको नीचे लेंगे, 2 3 4 अब ये इसके नीचे आ गया डायरेक्ट, ये लेफ्ट पे, इसको राइट पे करेंगे, ये ऊपर गया और ये हमारे पास फिक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब ये वाला पीस यहाँ पे कौन सा लगेगा, ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज इसको हमने क्या किया, यहाँ पे लेके आए और फिर हमने 1 2 3 4 अभी हमारे पास लेफ्ट पे, इसको राइट पे करेंगे, ये नीचे किया
और ये हमारे पास ये हो गया सही। अब हमारे पास ये वाला पीस जो है यहाँ पे लगेगा ऑरेंज और ग्रीन, ये वाला पीस यहाँ पे लगा हुआ ही है लेकिन इसको यानी रिवर्स करना ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको इधर करेंगे ऐसे, ये इसको इधर फिक्स करना है तो ये लेफ्ट पे है, इसे राइट पे करेंगे और इसे नीचे ले आएंगे और ये हो गया। बस हमारे पास जो पिंक और ग्रीन का पीस यहाँ पे लगा हुआ था वो नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ इस ये वाली लाइन में कहीं आ गई हुई है, तो हम इसको इधर लेके आए, इधर लेके आए, फिर हमने इसे किया राइट पे लेफ्ट पे, और फिर इसको नीचे किया, ये किया ये, और जैसे पहले किया वो हमने ये कर लिया, ये हो गया। हमारे पास ये वाला भी ऐसे ही होगा, ये हमने क्या किया इसको हमने ये वापस वही किया जो हमने पहले किया था, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको भी वैसे किया, अब ये नीचे लाइन पे आ गया, अब यानी ये नीचे वाली सरफेस पे आ गया ताकि हम इसे सही तरह एक फिक्स कर सकें। यहाँ पे आ गया, अब हमने 1 2 3 4, अब ये नीचे आ गया, अब इसको हम राइट पे कर देंगे, ये हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास जो तीसरा स्टेप है वो अब हम जो है वो तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें ये ऊपर वाली साइड बनानी है, पहले मैं दिखाता हूँ करनी बनानी कैसी है। ये हमने तीसरी ऊपर वाली साइड बनानी, लेकिन बनानी कैसी है पहले मैं जंबल कर देता हूँ इस साइड को, ऐसे जंबल किया है कि ये वाले जो हैं ये वैसे ही रहें। ऐसे कर लेते हैं। अब हमारे पास जो तरीका है, जो एल्गोरिथम है, वो हमारे पास है कि हमें क्या करना है, अगर जैसे भी रखा हुआ हो ये क्यूब, और यहाँ पे एक हमें क्या करना है, एक छोटा सा एल शेप, एल शेप कह सकते हैं इसे, एक एल शेप जहाँ पर भी हो, जैसे कि हालांकि चार बॉक्सेज हैं लेकिन इसमें एक एल भी बन रहा है, ये वाला मिडल पीस, ये वाला, ये ऐसे एल बन रहा है। तो हम अपने एल को अपने सामने रखना है और ये स्टेप करने हैं, 1 इसकी साइड, ये साइड पूरी हो गई, हम 2 3 4 5 6, ये ऊपर वाला काफ़ी बन गया और नीचे वाले डिस्टर्ब भी नहीं हुआ सही। अब हमने क्या करना है, आपको इसके बनाने के लिए सिर्फ दो दो एल्गोरिथम याद करने पड़ेंगे, जो पहला वाला मैंने किया और दूसरा वाला ये एक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर ऐसी शेप बन गई हमारे पास, अच्छा ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। हमने पहले एक एल था, उसके बाद अब जैसे हमने शुरू में वाइटर क्रॉस बनाया था, अब इसका भी एक क्रॉस बन गया है। अब जहाँ पे क्रॉस को हमने अपने सामने रखने, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 सही, ये हो गया हमारे पास, ये दो एल्गोरिथम हो गए, और यही हमने तीसरी बार लगाना है। अब ये यहाँ से लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारे पास। अब हमने वही एल्गोरिथम वापस से लगाना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास ये पूरा बन गया, हमने ऐसे बना लिया। अब मैं थोड़ा वापस सिखाने की कोशिश करता हूँ कि वापस यानी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास ऐसे हो गया सही। तो हमने क्या करना है, जो एल है अपने सामने रखना है, ये एल हमारे पास ये सामने हो गया, थोड़ा छोटा सा ट्राइंगल तो खैर नहीं, बस ये थोड़ा सा एल हो गया, इसको अपने सामने रखना है, और हमने इसके सामने ये एल्गोरिथम करना है। वापस से बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप हैं ये, जिसकी मदद से क्या होगा, आपका ये जो है आपका ये ट्रायंगल, ये क्रॉस बन जाएगा, और क्रॉस के साथ अगर ये एक और ब्लॉक आ गया तो ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। और फिर यहाँ से जब ऐसी आपकी फिगर बन जाएगी, ऐसी शेप, ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे जो ये आपके क्यूब्स हैं ऐसे अलाइन हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको शुरू करना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला वाला जो एल्गोरिथम था वो 6 का था और ये वाला 8 का है, यानी बस दो एल्गोरिथम आपको याद करने और फिर आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है,
कि हमने ये वाली पूरी कंप्लीट करना है। इसका एक तरीका, इसके लिए आपको सिर्फ एक एल्गोरिथम याद करना है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ उसे। अच्छा, आप थोड़ा अनजम्बल हो गए। अच्छा, अब हमारे पास एक एल्गोरिथम, सिर्फ इसके लिए आपको याद करने हैं दो एल्गोरिथम। ये जो आखिरी पार्ट के लिए कम से कम, यानी सबसे कम भी आपको दो एल्गोरिथम याद करने हैं इसके लिए। जितना जितना मैंने देखा है, दो आपको मिनिमम याद करने हैं। वो क्या? पहला एल्गोरिथम, वो ज़रूरी है। अगर कोई भी आपने कोई ऐसी साइट देखनी है इसमें से जिसके पास ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक सेम, ये तीनों भी सेम हो सकते हैं, वो भी पिक कर सकते हैं। इसमें ये वाला है, एक ये वाला और ये वाला, ये वाले ब्लॉक सेम है, तो क्या करना है, इसको पीछे रखना है अपने और ये वाला एल्गोरिथम लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया मेरे पास एल्गोरिथम। इसकी मदद से क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन कंप्लीट आमतौर पे नहीं होता। अगर मैं कोई जैसे कि अगर मैं वापस थोड़ा सा कोशिश करूँ बनाने की और फिर कोई लेके आऊँ, जैसे कि हमारे पास ये, हमारे पास अच्छा, यहाँ पे अगर वापस आएँ तो ये ऐसी भी फिगर बन सकती है। हमने बस वही फॉर्म लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऐसे बन गए, ये क्रॉस बन गया। अब ये वाले दो सामने और दो साइडवेज, तो हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और फिर जब ये ऐसे बन गया फिर यहाँ से करना है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब हमारे पास कोई ऐसा कोई मैं थोड़ा और जम्बल कर दूँ। अच्छा, आप कोई ऐसी साइड हमें लेनी है जिसमें ये वाला और ये वाला सेम हो। अगर हम देखें तो ये वाला सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में कोई सेम ही ना हो, सब अलग हो, तो उसके लिए आप कोई भी साइड ले सकते हैं। किसी भी साइड के को अपोजिट रख के आप कर सकते हैं, ये एल्गोरिथम लगा दें। फिर उसकी वजह से क्या होगा, आपको कोई ऐसी साइड मिल जाएगी। अब मुझे चूँकि मिली हुई है, तो मैंने इसको अपने इधर रख लिया और ये एल्गोरिथम आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्टेप्स का एल्गोरिथम है। फिर हम ये लगा लिया। फिर एक बस आखिरी एल्गोरिथम जो मैंने आपको बोला था कि इस स्टेप के लिए सिर्फ दो एल्गोरिथम चाहिए, इसका आप बस एक एल्गोरिथम और याद कर लें। पहला जो अभी किया है 12 स्टेप्स का, और दूसरा ये वाला। हमने क्या करना है, अब ये जो अगर बन गई है, जैसे इसमें एक साइड कंप्लीट बनी हुई है और बाकी तीन नहीं बनी हुई, तो हमने सिर्फ एक एल्गोरिथम लगाना है जब तक कि हो ना जाए। अब हमने जो बनी हुई है, जो साइड हमने बना ली है, जो सॉल्व हो चुकी है, उसको हमने पीछे रखना है और ये एल्गोरिथम लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 का है। ऐसे हो गए, लेकिन अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन ये लगाते रहना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हमारा रूबिक्स क्यूब कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट्स ज़रूर करेगा। अल्लाह हाफिज़।